हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं हमारा शीर कोरमा बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बना है और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे स्पेशली ईद या जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से शीर कोरमा या मीठी सेवई बना सकते हैं। ये बनाने में आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं लगेगी और इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अब यहाँ मैंने प्लेट में थोड़े से आलमंड, पिस्ता, काजू और खजूर ली हूँ। आप अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और अब यहाँ मैंने खजूर, काजू, आलमंड को 2 घंटों के लिए धोकर अच्छे से भिगो दिया था और आप देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट हमारे बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। और अब हम मैं आपको आलमंड को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप इसे दबाएंगे तो इसका स्किन बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। और अब हम चलिए इन सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से बारीक काट लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने काजू, खजूर, बड़े वाले बादाम, पिस्ता इन सभी को अच्छे से काट लिया है और इलायची को यहाँ मैंने दरदरा कूट ली हूँ। और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन हमारी गर्म हो रही है, हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है। आप इस रेसिपी को घी में बनाएंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम घी को अच्छे से पैन में इस तरीके से फैला लेंगे और अब हम इसमें कटे हुए आलमंड, कटे हुए खजूर और कटे हुए काजू डालेंगे और इन सभी को मीडियम टू लो फ्लेम पे हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जिससे सारे ड्राई फ्रूट हमारे घी में बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा और बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हैं मैं इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भून ली हूँ। इसे भूनते हुए 1 से 2 मिनट हुए हैं और हमारे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इनमें कलर आना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ड्राई फ्रूट को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। और सेम पैन में ही हम 1 चम्मच और घी डालेंगे। घी डालकर इसे फिर से अच्छे से घी को गर्म होने देंगे और अब हम इसमें 1 कप सेवई डालेंगे। यहाँ मैं नॉर्मल सेवई का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रोस्टेड सेवई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए कंटिन्यू भून लेंगे। हमें इसे सुनहरा कलर आने तक भूनना है और आप देख सकते हैं इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं और सेवई में बहुत ही बढ़िया सुनहरा या गोल्डन कलर आ गया है। हमें इसे इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा भूनेंगे तो इसका स्वाद कड़वा हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और सेवई को भी हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। आप सेवई को अच्छे से भूनें जिससे इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा और सेवई हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनेगी। और कढ़ाई अभी गर्म है तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से 6 चम्मच पानी डालेंगे। और पानी हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे। दूध डालकर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे दूध को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे दूध की मलाई तले में लगे ना। और पानी डालने से दूध हमारा तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अब हम 1 कटोरी में 3 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे और इसमें 1/2 कप या 1/2 कप दूध डालेंगे। दूध डालकर हम इसे अच्छे से चलाते हुए स्पून या चम्मच से मिक्स कर लेंगे जिससे, और साथ में हम दूध को भी इस तरीके से चलाते रहेंगे बीच में जिससे दूध हमारा अच्छे से गर्म होगा और तले में बिल्कुल भी मलाई नहीं चिपकेगी। और अब हम दूध में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। और आप देख सकते हैं दूध में भी काफ़ी अच्छे से उबाल आ गया है। और यहाँ मैंने शीर कोरमा बनाने के लिए फुल फैट क्रीम वाली दूध का यूज़ की हूँ और आप देख सकते हैं दूध भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और दूध हमारी काफ़ी गाढ़ी भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे इसमें फ्राई किए हुए सेवई डालेंगे। सेवई डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम सेवई को अच्छे से दूध में इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हम 20 से 25 सेकंड के लिए इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे।
15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सेवई हमारे काफ़ी अच्छे से दूध में पक गई है और दूध भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो हम इस तरीके से स्पैचुला से इसके साइड के मलाई को निकाल लेंगे और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 कुटी हुई इलायची डालेंगे। इस टाइम पे आप इलायची डाल करके इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लें, जिससे इलायची का फ्लेवर शीर कोरमा में बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट भी डालेंगे और थोड़े से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट को हम रख लेंगे, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और अब हम ड्राई फ्रूट को भी दूध और सेवई में अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। हम इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। और दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं आप सभी के लिए और ही भी इजी और न्यू रेसिपी लाती रहूँगी। और अब आप देख सकते हैं दूध में ड्राई फ्रूट डालकर शीर कोरमा को पकाते हुए 2 से 3 मिनट और हो गए हैं। तो अब हम इसमें मिठास के लिए चीनी डालेंगे। यहाँ मैंने 5 चम्मच चीनी का यूज़ की हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम चीनी को भी अच्छे से शीर कोरमा में मिला लेंगे और अब हम इसमें मिल्क पाउडर और दूध का मिक्स डालेंगे और इन सभी को हम फिर से अच्छे से चलाते हुए शीर कोरमा में मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे और पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और बचे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डाल करके हम इसे ढक करके 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। और जैसे जैसे शीर कोरमा हमारी ठंडी होगी और भी ज़्यादा ये गाढ़ी और फ्लेवरफुल हो जाएगी। 2 घंटे हो गए हैं तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैं एक बाउल ली हूँ। आप चाहे तो मिट्टी वाले भी बर्तन ले सकते, उसमें और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा। और अब हम इसे चलिए बाउल में सर्व कर लेते हैं और आप देख सकते हैं शीर कोरमा हमारी ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। और अब हम इसके ऊपर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसे और भी ज़्यादा हम कलरफुल बनाने के लिए कटे हुए पिस्ता डालेंगे और इस पे किशमिश डालेंगे। किशमिश आप दूध में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसे ऊपर से डेकोरेट के लिए डाल रही हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। और अब हम इसके ऊपर लास्ट में केसर वाले धागे डालेंगे और ये लीजिए हमारी एकदम क्रीमी और रबड़ीदार शीर कोरमा बनके तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को इस तरीके से बनाएं और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।